मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम बी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप बी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम बी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले बी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंधों में आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो बी नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय रहेगा उसमें आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आप ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में अपने साथी के साथ भरोसा बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें। हालांकि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय प्रेम संबंधों के मामले में बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे और प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी बनेगी। अगर आपकी कोई यात्रा होती है आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ तो आप देखेंगे वहां पर संबंध भी आपके ज्यादा बेहतर होंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस का ज्यादा अनुभव करेंगे। अक्टूबर के महीने में भी रोमांस ज्यादा रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो तीनों महीने काफी बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे आप में थोड़ी सी अहम की भावना ज्यादा देखने को मिल सकती है। खासकर अगस्त और सितंबर का ऐसा महीना होगा जब आप देखेंगे कि आप दोनों छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद कर सकते हैं। तो वहां पर आप ध्यान रखें कि अपने साथी की किसी भी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आप सोच समझ कर बात करें, अपने साथी की बातों को भी सुनें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर काफी बेहतर है। वहां पर आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर कोई प्रस्ताव आप अपने साथी को देते हैं तो वो प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है, कोई मित्रता चल रही है या फिर मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो अगस्त और सितंबर ज्यादा बेहतर है और अक्टूबर के महीने में भी सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। तीनों महीने प्रस्ताव दिया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो। अगर आपके कोई वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ चल रहे हैं, यानी आपके प्रेम संबंध पहले से थे लेकिन आजकल आपके वाद विवाद हो रखे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को समाप्त करना चाहते हैं, तीनों महीने आप प्रयास कर सकते हैं। आप अपने साथी को मना सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने साथी को मनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों के बारे में स्पष्टता से अपने साथी को समझाएं, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलतफहमियां हुई हैं तो उस बारे में अपने साथी को बताएं, और अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए और अपने साथी को सच्चाई बतानी चाहिए। अपने वाद विवाद समाप्त करते वक्त तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल अपने रिश्ते के बीच में ना दें। आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए। तो प्रेम संबंधों में अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान रखकर चलेंगे, धैर्य और संयम का परिचय देंगे और अपने साथी के साथ संबंधों में भरोसा बनाकर रखेंगे तो आप देखेंगे ये जो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय है वो प्रेम संबंधों में आपके लिए बेहतर साबित होगा। प्रेम संबंधों में रोमांस भी रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी, समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। बस आपको बहस नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है और अपने साथी पर आरोप नहीं करने हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए आपस में, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है, यू लेटर से शुरू होता है, वी लेटर से शुरू होता है, आई लेटर से शुरू होता है, ओ लेटर से शुरू होता है, पी लेटर से शुरू होता है या फिर जे या फिर जेड लेटर से शुरू होता है तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपके लिए वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और खासकर अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा वहां पर आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा मधुरता देखने को मिलेगी। अक्टूबर के महीने में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर आपके जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। और अगर आपके जीवन साथी को पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वो अक्टूबर में ज़्यादा हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो अगर आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखना है, और अगर स्वास्थ्य में समस्या नहीं है फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना है। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो आप समाप्त कर सकते हैं। वहाँ पर अगस्त और सितंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आप प्रयास करें और आपके जीवन साथी के साथ आप देखेंगे कि आपके संबंध सामान्य हो जाएंगे, यानी मतभेद समाप्त हो जाएंगे। अगर ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो उसके लिए ये तीनों महीने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर सामान्य कोई मतभेद हैं तो वो अवश्य ही इन तीन महीनों में समाप्त किए जा सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे। वहाँ पर गलत फहमियाँ ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पर अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपका कोई भी वाद विवाद होता है तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, गलत फहमियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपनी वाणी पर संयमित रहें और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैवाहिक संबंध हो या प्रेम संबंध हो, आपको अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना होगा और किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बड़ा नहीं होने देना है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। और अगर आपके जीवन साथी कोई ऐसा व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, या फिर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आश्रम से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं, तो आप देखेंगे कि आपके साथी को अचानक कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में, और आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है इस समय के दौरान। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। चलिए मित्रों, वी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो वी नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आटे की लोई खाने को दें, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर वो सफ़ेद कलर की गाय है तो अच्छा है, वरना किसी भी गाय को आप कुछ न कुछ खाने को दें। बुधवार के दिन गाय को ही आप हरा चारा खिलाएं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं या इसमें से एक या दो उपाय भी कर सकते हैं, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे बी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये बी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।